अरे उसको अपन छोटा मोटा नहीं, वो तो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेंगे अपनी रिपोर्ट में। साहब डोरी पे से लड़े हुए थे, हमारी डोरी टंगी थी टावर पे से, दीपक सेठ ने टंगा दी थी रेखबाल साहब ने, डीपी जल गई थी, तो वो डीपी वो डोरी काट लेगा, तो भैया मांगने वाले तो मारो डोरी के, हमारी डोरी दे दो यार, तुम्हारी तो चले हमारी कुंडली करो, तो फिर मारो उन्हें नाना भैया के टेपे से, बड़ो भैया करो तो दो एक लकड़ी उनके मार दी थी, जेब से भी बात हो जब से खुरे पालता था वही दिन, अबे चार दिन हुआ रात भी गूंढ लो तो सर ये पुरानी रंजिश थी हमारी, दो हमारी दुकान की डोरी चुरा ली थी इन लोगों ने, तो इसमें झगड़ा हुआ था, हमारे पिताजी को इन लोगों ने मारा था, तो वो सी रंजिश को लेकर इसने धमकी भी दे रखी थी कमल सिंह ने, सभी ने कि बाप बेटा हमारे घर पे भी आके गाली तकड़ी हुई, धमकी भी दे रहे थे लोग कि तुझे जान से मार देंगे हम, तो आज कोई सी नहीं, आज तो ये हुआ सर कि मैं भाई निकल के गाँव किसी दूसरे गाँव पैसे लेने, उसने घर पर मेरे से बोला सर तू आ जाना बैंक, मैं भी बैंक आ जाऊँगा, और मैं बैंक के पहुँचा गया तो उसने पैसे निकाल के मजदूर को पैसे देने के लिए जा रहा था वो, और मैं भी बैंक के, तो उसके पाँच मिनट बाद मैं भी आ गया, तो इतने में उसने कमल सिंह के लड़के दोनों और हम कमल जटाल और हरी सिंह को, जटाल और श्रीराम, ये चारों लोगों ने उसके सर में टांगी मारी, टांगी मारने उसको घायल किया, घायल करने के बाद दोनों उसको टांग के गाड़ी से घीस के हम सब 300 फीट दूर लेके फेंकने लग गए थे, बोले उसको ऐसे गाड़ी भरी की उन्होंने वहीं फेंक दिया, फेंकने के बाद फिर जैसे मैं देखा चिल्लाया तो वो कमल सिंह आया था पीछे से स्कूटी लेकर, दोनों लड़कों को बिठा के दिल्ली में भाग गया, और वो दो लड़के थे जो नदी के नदी पास निकल पड़ते हैं। डायल 100 को सूचना मिली थी कि सोंडा गांव के पास जो है दुर्घटना हुई है, उसके ऊपर से सूचना पर से मौके पे गए हैं अधिकारी भी, और अस्पताल आकर के कार्रवाई कर रहे हैं, और मर्ग कायम किया गया है फिलहाल, और जाँच की जा रही है।